So guys, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जैसे कि आप लोग सेलिब्रिटीज के नेम सर्च करते हो जैसे कि गूगल पे, तो उनका पूरा प्रोफाइल खुल के आ जाता है, उनका डेट ऑफ बर्थ, उनका होम टाउन कहाँ है, वो कहाँ पे रहते हैं, उनका सब कुछ सोशल नेटवर्किंग साइट्स के लिंक्स आ जाते हैं। तो ये चीज आप कैसे कर सकते हो? अगर कोई आपका नेम सर्च करेगा गूगल पे, जैसे कि मेरा नेम है विकास कुमार, अगर ये कोई सर्च करेगा तो मेरा होम टाउन कहाँ है, मैं कहाँ पे रहता हूँ, ये सब इन्फॉर्मेशन उसको वहां से मिल जाएगा। तो ये चीज आप कैसे कर सकते हो, आप कैसे सेलिब्रिटीज की तरह अपना नेम ऐड कर सकते हो गूगल पे, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट होने वाला है, सो वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा। और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर लीजिए क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि और भी फ्यूचर में आपको इस टाइप के वीडियोस इसी चैनल पे मिलते रहेंगे। तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलता रहे। तो आपको ज्यादा ना सुनाएंगे ना ज्यादा बोलेंगे, तो वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। आपको अपने प्रोफाइल को गूगल पे ऐड करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने क्रोम को ओपन कर लेना है। ओके, क्रोम ओपन करने के बाद नेक्स्ट जो चीज है वो आपको क्या करना है, अपनी ईमेल जो है आपका उसको सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से। तो मेरा जो ईमेल है मैंने उसका प्रोफाइल ऐड कर रखा है पहले से गूगल पे, तो इसलिए मैं आपको दिखाने के लिए दूसरा ईमेल सेलेक्ट कर लिया हूँ। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, गूगल पे सर्च करना है, यहाँ पे आपको ऐड मी टू सर्च, ध्यान रखिएगा यही आपको सर्च करना है। तो ऐड मी टू सर्च सर्च करने के बाद आपको कुछ इस टाइप का ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा होगा, शायद किसी लोगों को ये ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिल रहा होगा। तो क्या करना है, वहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा होगा ऐड योर बिजनेस कार्ड टू गूगल सर्च फॉर फ्री, इस टाइप से आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा होगा। तो उसको चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, वहाँ से तो आप अपने गूगल मतलब कि बिजनेस के लिए अपना गूगल कार्ड बना सकते हैं, लेकिन आपको ऐड योर सेल्फ टू गूगल सर्च, अगर आपको को सर्च करवाना है गूगल पे, तो वहाँ से आपको एक राइट साइड में थ्री डॉट का ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा होगा। आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है और वहाँ से सबसे पहले वाले ऑप्शन को जो कि होगा ऐड योर सेल्फ टू गूगल सर्च, इस टाइप का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा होगा, तो उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस टाइप का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे की तरफ में एक गेट स्टार्टेड का ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा होगा, सिंपली उस पर क्लिक कर देना है। ओके, उस पर जब आप जैसे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप का पेज खुल के आ जाएगा, ठीक है, नीचे तक। तो यहाँ पे आपको कुछ मतलब कि जो नेम वगैरह वो सब भरना है, जिसकी नेम हो गया, लोकेशन हो गया, अबाउट योर सेल्फ, ऑक्यूपेशंस, एजुकेशन, वर्क, होम टाउन, वेबसाइट वगैरह का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है। तो सबसे पहले आपको अपना नेम ऐड कर देना है, जो भी नेम आपको सर्च करवाना है गूगल पे। तो ये आपका ईमेल का ही नेम होगा, ईमेल में जो आपने नेम डाला होगा ना, वही नेम होगा डिफॉल्ट यहाँ पे सेलेक्ट। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको आपको अपना लोकेशन ऐड कर देना है, जहाँ पे आप रिसेंटली रह रहे हो। तो मैं यहाँ पे अपना रिसेंटली लोकेशन ऐड कर देता हूँ। ओके, नोएडा उत्तर प्रदेश, ये मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में आपको यहाँ पे कुछ लिखना है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो अपने बारे में, जैसे कि मैं जिसका ये ईमेल बना रहा हूँ तो वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो यहाँ पे मैं उनके बारे में लिख देता हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ओके, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप ऑक्यूपेशन भी ऐड कर सकते हो यहाँ पे, तो ऑक्यूपेशन में जो आपको ऐड करना है वो आप ऐड कर सकते हैं, मैं फिलहाल के लिए से छोड़ दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको एजुकेशन ऐड करना है, एजुकेशन ऐड करना है, जो भी एजुकेशन आप स्कूल में पढ़ते हो, यूनिवर्सिटी में पढ़ते, कॉलेज में पढ़ते हो, वो आपको ऐड कर देना है। तो उनका यूनिवर्सिटी में ऐड कर देता हूँ। ओके, यूनिवर्सिटी हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आप वर्क ऐड कर सकते हो, कहाँ पे आप काम करते हो, क्या काम है आपको, वो ऐड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको होम टाउन ऐड कर देना है, सिंपली से तो हम यहाँ पे होम टाउन ऐड कर देते हैं। ओके, ये रहा, ये ऐड कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आपको वेबसाइट, अगर आपका कोई पर्सनल वेबसाइट है या कोई भी वेबसाइट है आपका, तो उसका लिंक यहाँ पे आप सिंपली से ऐड कर सकते हो। फिर सोशल प्रोफाइल का लिंक आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद अपना ईमेल, फ़ोन नंबर वो ऐड कर सकते हो। ईमेल में ऐड कर देता हूँ ये वाला और फ़ोन नंबर। ओके, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपको जो ऑक्यूपेशन है ना, इसको भरना ही पड़ेगा। मैं आपको बता देता हूँ कि जिसमें जो टिक लगा है ना, एक स्टार करके एक वो बना है, तो उसको आपको भरना ही भरना है। तो ऑक्यूपेशन में हम भर देते हैं
सॉफ्टवेयर डेवलपर सॉफ्टवेयर इंजीनियर ये ऐड कर देते हैं ऑक्यूपेशन में भी हम ओके और यहाँ पे आपको नीचे में सब भरने के बाद नीचे की तरफ में आपको एक प्रीव्यू का ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा होगा उस पर सिंपली से क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक दिखा देगा कि आपका प्रोफाइल कैसे शो होगा उस पर, तो यहाँ से आपको सेव कर देना है। सेव करने के बाद यहाँ पे व्यू कार्ड से आप व्यू सर्च कार्ड पे क्लिक करके आप देख सकते हो कि आपका प्रोफाइल कैसे दिखेगा। तो ये देख सकते हो कुछ इस टाइप का दिख रहा है हमारा प्रोफाइल जो हमने अभी ऐड किया था गूगल पे। मैं आपको एक बार सर्च करके दिखा देता हूँ ये नाम, ठीक है, जो नाम है मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ संजीव कुमार सा, ओके ये हमने सर्च किया। सो आप लोग देख पा रहे हो कि एक ही पहले मतलब कि टॉप पे ही गूगल पे इनका प्रोफाइल देखने के लिए मिल रहा है आपको, सॉफ्टवेयर इंजीनियर नोएडा उत्तर प्रदेश करके एड्रेस वगैरह सब आ रहा है। तो इस टाइप से आप भी अपने प्रोफाइल को गूगल पे ऐड कर सकते हो बहुत ही ईजी तरीके से। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने के लिए मिला हो, कुछ भी हेल्प हुआ हो आपका इस वीडियो से, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और भी इस टाइप के अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।